hello dear students welcome to board success mantra the general guidance session for cbsc class 10th students so the thought of your board examination may actually give you a goosebump, but don't worry we are going to make it very simple for you so why firstly this board examination why it is so so important because it is the first academic milestone in life of a student till now अभी तक जो examinations आपने दिए थे, school level के exam होते थे, थे। के के होते होते में वो फेवरेट टीचर्स इवन इट वॉज चेक आंसर शीट वॉज चेक योर नोन कंफर्टेबल फ्रेंडली टीचर्स अब फर्स्ट टाइम एक इतने बड़े लेवल पर आप एग्जाम देने वाले हैं पहले कंपटीशन उस क्लास के 40, 50 स्टूडेंट्स के बीच होता था जहां पर आपकी भी एक अच्छी स्टैंडिंग होती थी लेकिन फर्स्ट टाइम अब नेशनल लेवल पर आप इतने सारे स्टूडेंट्स के साथ बनाया पेपर बाहर से आ रहा है इवन जो एग्जामिनेशन सेंटर है वो आपके कंफर्टेबल स्कूलिस नहीं कोई लोकेशन होती है कहीं और जाके एग्जाम ये कंडक्ट होता है एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट जो आपकी आंसर शीट्स हैं वो भी दूसरे टीचर्स चेक करने वाले हैं सो द आंसर्स दैट यू हैव फ्रेम्ड दे शुड बी वेरी वेरी परफेक्ट है ना कोई भी टीचर देखे, उसको वो मार्क्स जरूर दें तो आप देख रहे हैं कितना डिफरेंस हो रहा है फर्स्ट टाइम आप नेशनल लेवल पर एक्सपोज होने वाले हैं एंड नॉट जस्ट दिस इसकी इम्पोर्टेंस और क्या है तो चलिए समझते हैं ओके okay. सो so, आप सबने सोच रखा होगा अपने लिए कौन से यूनिवर्सिटी में किस कॉलेज में आप आगे पढ़ना चाह रहे हैं आपके कुछ ड्रीम कॉलेजेस होंगे सो so, रिमेंबर उन ड्रीम कॉलेजेस में एडमिशन का जो प्रोसेस है उसमें भी आपके टेंथ बोर्ड के रिजल्ट को बहुत बहुत, बहुत इम्पोर्टेंस दी जाती है सेवरल यूनिवर्सिटीज वो स्पेशल पॉइंट्स रखते हैं टेंथ बोर्ड के रिजल्ट के सो दैट इज द इम्पोर्टेंस अपार्ट फ्रॉम दिस अगर हम देखें कि जो जॉब्स वगैरह की बात करते हैं तो जो अच्छी कंपनीज हैं ड्यूरिंग द रिक्रूटमेंट प्रोसेस वो हायर करते वक्त देखते हैं कि कैंडिडेट्स का रिजल्ट क्या रहा टेंथ बोर्ड में एंड वाइस सो, टेंथ बोर्ड इज एक्चुअली रिफ्लेक्टिंग द लेवल ऑफ सिंसेरिटी स्टूडेंट हैड दैट कैंडिडेट हैड ड्यूरिंग द स्कूल लाइफ तो वो आपके स्कूल का भी एक सर्टिफिकेट है आपके स्कूल टाइम में आपके एकेडमिक्स कैसे रहे आप कितने स्टूडेंट थे? थे, ये सब आपके के के बोर्ड रिजल्ट से रिफ्लेक्ट होता है। तो स्कूल में में अच्छे थे, तो आप जॉब भी अच्छे रहेंगे ऐसा सोचा जाता है ओके नाउ अगेन अगर हम और इम्पोर्टेंस की बात करें सो so, बोर्ड के रिजल्ट्स के बाद मैक्सिमम स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स ये डिसाइड करते हैं कि स्टूडेंट को आगे क्या स्ट्रीम लेनी है कॉमर्स साइंस ह्यूमनिटीज, तो आपका फर्दर कैरियर भी काफ़ी हद तक आपके टेंथ के बोर्ड के रिजल्ट पर बेस्ड होता है सो हेयर वी कैन सी हाउ इट इज सो इम्पॉर्टेंट इन शेपिंग योर करियर इट इज़ द फर्स्ट टाइम यू आर एक्चुअली मूविंग आउट ऑफ योर शेल आउट ऑफ योर कम्फर्ट जोन तो यहाँ पर इस एग्जाम को अच्छे से क्रैक करने के लिए आपको बहुत अच्छी सी मैनेजमेंट स्किल्स टाइम मैनेजमेंट सबको अप्लाई करना होगा अपने कंफर्ट जोन से निकलना है और बहुत अच्छे से मेहनत करनी है सो दैट यू कम आउट विद फ्लाइंगस ना बी डिंग पर्टिकुलर से बोर्ड एग्जामिनेशन वॉट शुड्यूल यू शुड प्लान सो दैट टू कवर दर सिलेबस हाउ टू रिवाइज इन फाइनली वेन एवरी थिंग इज डन हाउ टू अटेम्प दैट पेपर लेट्स स्टार्ट विद प्रिपेयरिंग फॉर बोर्ड्स स्टूडेंट्स यू नो कि बोर्ड्स में कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं और उन सब्जेक्ट केमिस्ट्री बायोलॉजी साइंस के अंदर तीनों आएंगे नेक्स्ट मैथमेटिक्स का अलग पेपर होगा सोशल साइंस का अलग सेपरेट पेपर होगा अगेन फॉर इंग्लिश एंड सो ऑन तो आपको इन सब सब्जेक्ट की प्रॉपरली प्रिपरेशन करनी होगी ओके Now, how to prepare? So, जैसा मैंने आपको बताया था आपकी जो मैनेजमेंट स्किल्स है थ्रू एंड थ्रू यू नीड टू कम्प्लीट इट एटलीस्ट टू टू थ्री मंथस प्रायोर टू बिगिनिंग ऑफ योर गुड एग्जामिनेशन इतने आपको अच्छे से प्लानिंग के साथ चलना है कि सारा सिलेबस टाइमली कंप्लीट हो जाए आपको अच्छे से मालूम होना चाहिए कि सी बी एस ई बोर्ड का सिलेबस क्या है सब्जेक्ट वाइज सिलेबस क्या है टॉपिक्स को वेटेज क्या मिलती है कौन सी टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंस के हैं ज्यादा मार्क्स क्वेश्चन आते हैं किन में कम मार्क्स क्वेश्चन आते हैं एंड हाउ यू नो दैट फॉर नोइंगट आपको सैम्पल पेपर्स प्रीवियस ईयर के बोर्ड पेपर्स आपको उनको रेफर करना ही होगा तो जब आप उनको देखेंगे तो टाइप ऑफ क्वेश्चनिंग आपको समझ में आएगी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं वो भी आपको समझ में आएंगे अपार्ट फ्रॉम दिस हमारे कुछ सब्जेक्ट स्पेसिफिक आगे होंगे जो आपको वेटेज भी बताएंगे बोर्ड्स में सब्जेक्ट वाइज किस टॉपिक का कितना वेटेज है और वेटेज के अपार्ट ईज क्या है है ना कौन से चैप्टर्स कंपैरेटिवली ईजी हैं और कौन से कंपैरेटिवली ज्यादा आपको मेहनत करवाने वाले हैं ओके okay. Now, again, while you are preparing for your board examination, you need to keep referring with the CBSE site. आपको CBSE site को regularly check करते रहना है latest updates के लिए कुछ ना कुछ changes हो जाते हैं हर साल जैसे syllabus में कुछ change हुआ paper pattern में कोई minor सा change हो गया तो इन changes को लेकर आपको बिल्कुल update रहना चाहिए हो सकता है किसी chapter को आप पढ़ते ही जा रहे हो लेकिन वो chapter ही delete हो गया So you need to keep yourself well updated about these things. नेक्स्ट प्रिपरेशन वेन वी आर प्रिपेयरिंग आर प्रिपरेशन शुड बी सब्जेक्ट स्पेसिफिक तो सब्जेक्ट प्रिपरेशन हमें करनी है ओके स्टूडेंट्स वाइल यू आर स्टडिंग पढ़ते वक्त ऑलवेज ट्राई टू प्रैक्टिस द न्यूमरिकल्स और लिखने की प्रैक्टिस अच्छे से करिए अगर हम देखें सी बी एस बोर्ड की काफी हद तक सब्जेक्टिव अप्रोच रहती है तो स्टूडेंट की राइटिंग स्किल्स यहाँ पर टेस्ट होती हैं यू शुड नो हाउ टू रिप्रोड्यूस योर थॉट हाउ टू राइट दम डाउन तो ये लास्ट मोमेंट में नहीं होता इसके लिए आपको थ्रू आउट द सेशन प्रैक्टिस करनी होगी जो आपके माइंड में है उसको आप कैसे लिखें तो इसकी जब आप रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे सो यू कैन फ्रेम वेरी गुड आंसर नाउ अगर हम बात करें सब्जेक्ट्स की तो सब्जेक्ट को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं फॉर इज ऑफ अंडरस्टैंडिंग कुछ सब्जेक्ट्स में थ्योरी ज्यादा होती है और कुछ में हम देखते हैं काफी न्यूमरिकल कैलकुलेशन वाला पार्ट आता है ओके, सो व्हेन जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट उनको आप अंडरलाइन कर दीजिए आफ्टर दैट उस चैप्टर में जो इम्पोर्टेंट डेफिनेशन आई डेट्स आए टर्म्स आए नेम्स आए एग्जाम्पल्स आए, आए उनको लिखकर जरूर प्रैक्टिस करिए उस चैप्टर्स को पढ़ने के बाद एज़ द चैप्टर इज़ ओवर सीबीएसई बोर्ड के पास्ट ईयर पेपर में जो क्वेश्चन आए थे उस चैप्टर के उनको आप सॉल्व कर दिए एंड देन चेक कि आपका आंसर कैसा है लिखकर प्रैक्टिस जरूर करिए व्हाट यू राइट विद योर हैंड इट्स वेरी वेल मेमोराइज्ड रिमेंबर दिस टेक्निक ओके नाउ न्यूमेरिकल बेस्ड सब्जेक्ट्स तो हम बात करें अगर मैथ्स की फिजिक्स की फॉर्मूले बहुत सारे होते हैं एंड दीज फॉर्मूलास अगर हम सोचें कि हम लास्ट डे में इसको अप्लाई कर लेंगे या हमारे बुक का ही कोई क्वेश्चन आ जाएगा सो so ऐसे आप भ्रम में मत रहिए ऐसा कुछ नहीं होने वाला है क्वेश्चन आपको सॉल्व करने आना चाहिए फॉर्मूलाज आपको अप्लाई करना आना ही चाहिए और वो कैसे आएगा रेगुलर प्रैक्टिस से डेली प्रैक्टिस से है ना तो जब आप डेली प्रैक्टिस में न्यूमरिकल सॉल्विंग को टाइम देंगे प्रॉपर तो वो फॉर्मूलास आपके फ्रेंड बन जाएंगे और एग्जाम टाइम में वो आपको डिफीट नहीं करवाने वाले ओके okay. नाउ कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं उनको जो उनके स्कूल करिकुलम में बुक्स दी गई हैं उनको पढ़ लेते हैं एनसीआर को पढ़ते हैं अपने फ्रेंड से डिस्कस करते हैं वो कुछ बुक्स बताएंगे उनको भी ट्राई करेंगे स्टूडेंट्स डू नॉट रेफर टू मल्टीपल सोर्सेज वॉट विल हैपन उससे क्या होगा जो टॉपिक सिर्फ टू आवर्स लेने वाला था अब वो हो सकता है सिक्स आवर्स ले अब कई बार हम कंफ्यूज ही हो जाते हैं कि आखिर करें क्या एक राइटर ने बुक में अलग पैटर्न से टॉपिक को चलाया दूसरे राइटर ने अलग पैटर्न से डोंट गो ऑन ऑल दिस यू नीड टू फोकस ऑन एनसीआर टी को स्टैंडर्ड लेके चलिए अपार्ट फ्रॉम एनसीआरटी जो आपके स्कूल करिकुलम में बुक बताई गई है आप उसको फॉलो करिए तो इन दोनों को आप अच्छे से पढ़ लीजिए ऑल डन हैंपल पेपर्स और पास्ट ईयर पेपर्स जो है सी बी एस सी के वो आपको जरूर साथ में लेकर चलने हैं और उनको सॉल्व भी करते हुए चलना है चैप्टर इज डन देन सॉल्व द क्वेश्चंस ऑल्सो सोल्व अनसोल्व ऑल सॉर्ट्स ऑफ क्वेश्चन डायग्राम्स देयर ओके नाउ टिप्स फॉर शेड्यूल प्लानिंग सो जब आप अपना पढ़ाई करते हैं तो आप देखते हैं कि कुछ सब्जेक्ट्स आपके फेवरेट होते हैं ओके okay? कुछ आपके फेवरेट सब्जेक्ट होते हैं जिनको आपको मैक्सिमम टाइम देने का मन करता है कुछ सब्जेक्ट से आप थोड़ा सा बचना चाहते हैं यू ट्राई टू अवॉइड देम बट जो आपको एक्चुअली करना है वो उसका ऑपोजिट है जो सब्जेक्ट्स आपको थोड़ा फियर देते हैं उनको आपको ज्यादा फ्रीक्वेंटली फेस करना है ज्यादा फ्रीक्वेंटली स्टडी करना है सो दैट दे बिकम योर फ्रेंड्स लेकिन जो सब्जेक्ट्स आपके ऑलरेडी फ्रेंड्स हैं ईजी हैं उनको भी थोड़ा बहुत टाइम दीजिए लेकिन कंपैरेटिवली कम टाइम दीजिए बिकॉज यू आर ऑलरेडी कम्फर्टेबल विद दैम So, कवर करना है इजी टू अंडरस्टैंड भी है और बोर्ड्स में जिनका वेटेज भी हाई है सो दैट यू कैन स्कोर वेरी वेल ओके जब हम पढ़ते जाए तो साथ में उस चैप्टर के इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट को मार्क करते जाए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को मार्क करते जाए Why? Because जब हम बाद में रिवाइज करेंगे तो ये concepts, ये क्वेश्चन हमें ध्यान से रिवाइज करते चलना है तो फर्स्ट टाइम जब पढ़ा तो हमने मार्क कर लिया ऑल दैट इज तो जब हम बाद में रिवाइज करेंगे तो उन इंपॉर्टेंट पार्ट्स को अब हम टच करने वाले हैं ओके सो एज वी डिस्कस्ड आपको सिलेबस तो टाइम से एग्जामिनेशन से टू टू थ्री मंथस पहले ही पूरा कंप्लीट कर देना है ओके okay. अगर हम न्यूमरिकल बेस्ड चैप्टर्स की बात करें तो उनमें कई फॉर्मूला यूज होते हैं चैप्टर वाइज आप फॉर्मूला लिस्ट बनाइए और अपने स्टडी टेबल पर रखिए फ्रिक्वेंटली उनको रेफर करते रहिए प्रैक्टिस क्वेश्चन बाय राइटिंग समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कोई डाउट आता है और हमें लगता है इतना सारा तो हमको आता है एक डाउट आ गया लीव इट दिस जहां डाउट आए मेक इट योर टारगेट इसको तो मुझे रिजोल्व करवाना ही है ओके सो वंस इट इज रिजोल्व अब आगे आपको प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि अगर आप डाउट्स को ऐसे ही छोड़ते रहेंगे बैकलॉग इकट्ठा करते रहेंगे तो हो सकता है आने वाले कई टॉपिक्स अगेन आपके समझ में ना आए क्लियर ना हो तो जैसे ही डाउट आए उसको हमें जरूर रिजॉल्व करवाना है ओके नाउ व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग एंड वॉन्स योर सिलेबस इट्स ऑल ओवर देन आपको जो प्री सी के पास्ट ईयर पेपर्स हैं जो सैम्पल पेपर्स हैं उनको टाइमर लगा के थ्री आवर्स का टाइमर लगा के सॉल्व करना है सो so दैट आपको अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए उस गिवन टाइम फ्रेम में पेपर पैटर्न के साथ पेपर को प्रॉपरली टाइम लिमिट में कंप्लीट करने की सो दिस एग्जामिनेशन ओके यू हैव कंप्लीटेड सिलेबस एंड नाउ टाइम टू रिवाइज स्टूडेंट एटलीस्ट थ्राइस यू शुड रिवाइज बिफोर एक्चुअल एग्जाम्स थ्री टाइम्स जब आप रिविजन करेंगे तो आप बहुत ज्यादा कंफर्टेबल हो जाएंगे टॉपिक्स के साथ ओके okay. आप जब पढ़ते हैं तो आपको कुछ टर्म्स कुछ फॉर्मुलेस एग्जाम्पल्स डिफिकल्ट लगते हैं उनके चार्ट्स बनाइए स्टडी टेबल पे रखिए और उनको फ्रीक्वेंटली रेफर करते रहिए सो दे आर वेरी वेल इन यूर माइंड ओके पढ़ाई करते करते रिविजन करते करते प्री बोर्ड का टाइम आएगा स्टूडेंट्स प्री बोर्ड्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एंड वाई दिस प्री बोर्ड्स आर इम्पोर्टेंट स्टूडेंट्स प्री बोर्ड्स का जो रिजल्ट है इट्स गोइंग टू गिव यू अ वेरी डीप इनसाइट अबाउट योर प्रिपरेशन प्री बोर्ड का रिजल्ट बता देगा कौन से सब्जेक्ट्स आपके वेल well प्रिपेयर्ड हैं और कहाँ आपको अभी बहुत वर्क करने की नीड है एंड आई एम टेलिंग यू मैनी टाइम्स इट हैज हैपेंड कि स्टूडेंट्स ने प्री बोर्ड में किसी सब्जेक्ट में पर परफॉर्म करा लेकिन उनको प्री बोर्ड ने सिग्नल का दे दिया कि यू हैव टू प्रिपेयर फॉर दिस एंड देन दे वर्क दैट हार्ड कि वो सब्जेक्ट उनका बेस्ट भी हो जाता है सो प्री बोर्ड जो आपको अलार्मिंग साइन दे उस पर अच्छे से वर्क करना हमें होता है नाउ हो, पढ़ाई कर ली रिवीजन चल रहा है आपके पास जैसे ही आपके एग्जाम की डेट शीट आ जाए तब फिर आप जब रिवाइज करना शुरू करें तो ध्यान रखें उस डेट शीट में जो सब्जेक्ट सबसे एंड में है लास्ट है आप पहले उसको रिवाइज करें एंड सो बिकॉज अगर आपने फर्स्ट सब्जेक्ट को पहले रिवाइज करना शुरू करा कई बार वो फिर खिंचता चला जाता है और बाकी सब्जेक्ट्स छूट जाते हैं रिवीजन में तो जब आप शुरू ही करेंगे लास्ट सब्जेक्ट से तो आपको फर्स्ट सब्जेक्ट तक आना ही पड़ेगा क्योंकि फर्स्ट एग्जाम तो फर्स्ट सब्जेक्ट का ही होने वाला है ओके सो ऑलवेज स्टार्ट विद द लास्ट सब्जेक्ट ओके जो टॉपिक्स आपको डिफिकल्ट लगते हैं जिनसे आप बचना चाहते हैं स्टूडेंट्स उनकी बहुत अच्छे से ट्रैकिंग रखिए उनको फ्रीक्वेंटली रिवाइज तो करना ही है ध्यान रखना है उनमें से कुछ छूट ना जाए रिवाइज करते में येस योर बेस्ट टॉपिक्स उनको भी आप फ्रीक्वेंटली देख सकते हैं है ना टाइम उनको कम डिवोट करना पड़ेगा और जो आपको डिफिकल्ट लगते हैं उनको कंपेरेटिवली आपको टाइम ज़्यादा देना पड़ेगा ओके okay. वाइल रिवाइजिंग रिवाइज करते वक्त भी सीबीएससी के सीबीएससी के जो सैंपल पेपर्स हैं ईयर पेपर्स में जो क्वेश्चन आए हैं उनको भी आप साथ में सॉल्व करिए सो दैट यू मे आइडिया कितना अच्छे से आप प्रिपेयर कर चुके हैं कितने अच्छे से आपका रिविजन चल रहा है ओके न्यूमेरिकल्स डेरिवेशन इनकी भी रिविजन के टाइम हमें प्रैक्टिस करनी होगी रिविजन भी हो गया पेपर देने का टाइम आ गया so now we learn how to attempt the CBSE board exam paper okay so सबसे पहले as you get the paper in your hand और आपको जो initial 15 minutes मिलेंगे उसमें paper start करने से पहले paper को अच्छे से देखिए और sequence बना लीजिए कि आप questions को किस sequence में attempt करने वाले हैं apart from this आपको टाइम किस क्वेश्चन को कितना देना है ये भी इसी वक्त डिसाइड कर लेना है इनफैक्ट जब आप रिवाइज कर रहे थे पेपर सॉल्व कर रहे थे ये तो आपके माइंड में एक आइडिया पहले से ही होना चाहिए कि वेरी शॉर्ट शॉर्ट आंसर्स 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 लॉन्ग किस सेक्शन को आपने कितना टाइम ड्यूरेशन दिया है और जब पेपर एक्चुअल आपके सामने आया तब उसी के अकॉर्डिंग आप क्वेश्चंस को टाइम देंगे नाउ पेपर सॉल्व करते में अपनी रिस्ट वॉच को बिल्कुल अपने आपों के सामने रख लीजिए पूरा ट्रैक रखिए टाइम का कहीं ऐसा ना हो जाए कि एक क्वेश्चन को हम करते रह जाएं और आगे का पेपर छूट जाए सो वी हैव हैव टू टू टेक ट्रैक ट्रैक वी कीप ऑफ टाइम ओके समथिंग अगेन वेरी इंपॉर्टेंट सम केवल सीक्वेंस से चल रहे होते हैं नाउ पेपर स्टार्ट करते में सीक्वेंस का इफ सपोज करिए फर्स्ट क्वेश्चन सेकेंड क्वेश्चन आपको अच्छे से नहीं आता है थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स यू आर वेरी गुड इन इट तो अगर आपने फर्स्ट क्वेश्चन से यहाँ पर इस केस में शुरू कर दिया लिखना आ रहा तो आगे जो आपने अच्छा भी करा है हो सकता है उसको लेके भी थोड़ा सा जजमेंटल हो जाए सो टू अवॉइड दिस हमेशा पेपर स्टार्ट उन क्वेश्चन से करिए जिन पर आप प्रॉपरली कॉन्फिडेंट है जिससे आपकी एक अच्छी इमेज बन जाए एग्जामिनर के माइंड में बाद में वो क्वेश्चन कर लीजिए जिन पर आप डाउटफुल हैं तो मे भी आपको थोड़े मार्क्स मिल जाएं लेकिन स्टिल यू नीड टू अंडरस्टैंड कि जितना अधिक आप सीक्वेंस फॉलो करें उतना अच्छा अगर एक क्वेश्चन के पार्ट्स हैं तो वो पार्ट्स हमें एक साथ ही सॉल्व करने हैं एक ही जगह पर ऐसा नहीं कि फर्स्ट पेज पर एक्स क्वेश्चन का पार्ट ए और फिफ्थ पर उसका पार्ट बी ऐसा नहीं होना चाहिए यस yes. नंबरिंग आपने जो आंसर सॉल्व करे हैं उसकी नंबरिंग सही है कि नहीं आप लिखना चाह रहे हैं आंसर फाइव और लिख दिया उसको आंसर थ्री तो ऐसा बिल्कुल मत कर देना इनफैक्ट एंड में भी हम इसको रिचेक करेंगे नीटनेस आपकी राइटिंग कैसी है कितना नीट वर्क करा है है ना ये सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है एग्जामिनर के माइंड पर इस चीज का पूरा इंप्रेशन पड़ता है आपकी पर्सनैलिटी का जो बच्चे पेपर बहुत नीटली करते हैं लगता है कि हाँ आर वेरी सिंसियर और उन्होंने सही सही लिखा होगा ओके okay, अगर न्यूमेरिकल बेस्ड टॉपिक्स हैं, जहां काफी रफ वर्क करना होता है तो कॉलम बनाइए अलग से रफ वर्क के लिए नाउ वर्ड लिमिट, लिमिट टाइम का खास ध्यान रखना है अलग अलग तरह के क्वेश्चंस के लिए प्रिस्क्राइब्ड वर्ड लिमिट डिफरेंट होती है तो उस वर्ड लिमिट को हम फॉलो करने की पूरी कोशिश करें स्टूडेंट्स योर दे शुड बी वेरी क्रिस्प ओके तो आपको अपने आंसर को बहुत अच्छे से फ्रेम करना है और उस आंसर में जो की वर्ड्स हैं ओके okay, उनको अंडरलाइन कर दीजिए उनको हाईलाइट कर दीजिए कहीं वो मिस ना हो जाए अगर आप लॉन्ग टाइप आंसर लिख रहे हैं तो अगर आप उसको पॉइंट्स के फॉर्म में मेंशन करते हैं तो कोई भी पॉइंट हाइड नहीं होता ओके समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कभी कभी होता है एक क्वेश्चन को सॉल्व करते में अच्छे से सब माइंड में आ रहा था सडनली ब्लैक ब्लैकआउट हो जाता है तो अगर ऐसे ब्लैकआउट हो रहा है उस उस सिचुएशन में में क्वेश्चन के के लिए थोड़ी सी स्पेस छोड़ के, जितने आपको लगता है ऑलमोस्ट हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करिए हमें कहीं भी स्ट्रक नहीं होना है कहीं भी अटकी मत चलते जाना है कहीं भी रुक गए तो हमारा पेपर छूट सकता है ओके नाउ वन थिंग अगेन इंपॉर्टेंट पेपर का टाइम ओवर होने से ट्वेंटी मिनट्स पहले सारी सप्लीमेंट्री शीट्स को आपको प्रॉपरली टाई कर देना है और सीक्वेंस में टाई करना है फिर लिखना कंटिन्यू करना अगेन आपको ध्यान रखना है कि पूरा जो पेपर है वो 10 टू 15 मिनट्स पहले खत्म हो जाए एंड इन लास्ट टेन फिफ्टीन मिनट्स जस्ट रिवाइज आपने जो लिखा है कहीं आंसर का नंबर तो गलत नहीं हो गया कहीं कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड लिखना तो नहीं छोड़ दिया कभी कभी हम एक वर्ड को इनकम्प्लीट छोड़ देते हैं लाइक like, इसकी स्पेलिंग ही पूरी नहीं करी तो so, लास्ट में आप अच्छे से रिवाइज करें और अगर कहीं कुछ गलत कर दिया है, तो आपको आप सही भी कर सकते हैं ओके नाउ सम अगेन इंपॉर्टेंट टिप्स फॉर योर पेपर सो एज आई टोल्ड यू आपको जो लोकेशन है वो अगर कुछ न्यू है तो पहले से देख कर आइए लोकेशन जो आपके बोर्ड के इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट बोर्ड्स के लिए इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं ओके लाइक हॉल टिकट एंड ऑल वो सब पहले से ही आपके बैग में एक दिन पहले रखा हुआ हो आपकी स्टेशनरी प्रॉपर से रखी हुई हो और आप अपने एग्जामिनेशन सेंटर पर बिफोर टाइम काफी है ना? काफी समय से पहले ही पहुंच जाएं जिससे लास्ट मोमेंट पर कोई भी पैनिक की सिचुएशन ना आए सो so, प्रिपरेशन हो गई रिविजन हो गया पेपर कैसे अटैम्प्ट करना है हमने ये भी सीख लिया अब पेपर से एक दिन पहले सो मैनी स्टूडेंट्स लास्ट टाइम पर वो पैनिक करते हैं आखिर अब हम क्या करें है ना एंग्जाइटी होने लगती है सो so, स्टूडेंट्स जब हम पैनिक और एंग्जाइटी में कोई काम करते हैं तो हम अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस एक्चुअली दे नहीं पाते वी नीड टू लर्न हेयर हाउ टू वर्क वेल अंडर प्रेशर प्रेशर में काम करना आना चाहिए और ये प्रैक्टिस से आता है लास्ट डे उस दिन मेडिटेशन भी करके देखिए अगर आपको करना आता है तो अपने माइंड को बिल्कुल रिलैक्स रखिए ना ओ आउटिंग नहीं करनी है एंड टाइम पर बाहर का खाना नहीं खाना है फ्रेंड से मिलना भी नहीं है okay? न्यू टॉपिक्स भी ट्राई नहीं करने डिफिकल्ट टॉपिक्स न्यू टॉपिक्स जो आपको अभी तक नहीं आते थे तो आप लास्ट डे उसको ट्राई ना करें जो आपको आता है उसको अच्छे से रिवाइज करें हाँ जो आपने पहले से पढ़ रखा है और वो आपको थोड़ा डिफिकल्ट लगता है उसको आप रिवाइज जरूर कर सकते हैं अगेन समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट अभी तक हम हमेशा सुबह पढ़ते आए फॉर एग्जाम्पल कोई स्टूडेंट अभी तक रोज अर्ली मॉर्निंग पढ़ाई करता था

तो एंड मोमेंट पे आपको अपने आप पर विश्वास रखना है आपको अपने कॉन्फिडेंस को बनाए रखना है एंड यू नीड टू स्टे हेल्दी स्टे हेल्दी के लिए एंजाइटी नहीं पैनिक नहीं बाहर का खाना नहीं सो स्टूडेंट्स इफ यू फॉलो ऑल दीज थिंग्स आई एम श्योर यू आर गोइंग टू कम आउट विथ फ्लाइंग कलर्स विद दिस आई वुड लाइक टू विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन थैंक यू